किसान पद प्रत्याशी हीरालाल यादव से मुद्दों पे बहस। जी हां, खबर है यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेरापट्टी के प्रधान पद उम्मीदवार हीरालाल यादव से खास मुलाकात, जो वर्तमान में चंदा पढ़ाई इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। इस खास मुलाकात में ग्रामीण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं, गांव में प्रचार प्रसार के दौरान ग्रामीण किन किन मुद्दों के बारे में चर्चा किया, पिछले कार्यकाल में संतुष्ट है या नहीं, और अगर आपको प्रधान पद पर उम्मीदवार मिलता है तो आप युवाओं और बुजुर्गों महिलाओं के लिए क्या करेंगे। वही बजट के बारे में भी बात की। देखिए खुटहन से शिवसेंद्र यादव की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेरापट्टी के प्रधान पद उम्मीदवार हीरालाल यादव से आज खास मुलाकात होगी। वर्तमान में चंदा पैड़ा इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। इस खास मुलाकात में ग्रामीण मुद्दों पर चर्चा होगी। नमस्कार सर। नमस्ते, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद न्यूज के इस प्रोग्राम में हम आप सब मीडिया प्रभाग सुनो का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हम चर्चा करना चाहते हैं कि ग्रामीण मुद्दों पर, ग्रामीण क्षेत्र में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत सी कमियां रह जाती हैं, और अगर ईमानदारी से सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी कार्यों को कार्य किया जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है। जैसे कि अभी भी पूरे गांव में सड़क नहीं बनी हुई है, प्राइमरी विद्यालय तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, और लाइट जो ऑलरेडी बरसात के सीजन में या ठंडी के महीने में गली या मोड़ों पर लाइट नहीं रहती है, वहाँ दुरुस्त कराना है। और सबको भी, जितने पात्र लोग हैं, सबको कॉलोनी या पशु शेड या सबको आवास या ये पशु ये बकरी पालन या कॉलोनी नहीं मिल पाई हैं, और हम चाहते हैं कि ये सब काम को अच्छे से करके हम गांव के नाम को आगे बढ़ाएं, गांव का सम्मान बढ़ाएं, मारुति से ही है। सर, गांव के प्रचार प्रसार के दौरान ग्रामीण ने किस मुद्दे के बारे में चर्चा किया, पहले कार्यकाल में संतुष्ट है या नहीं? नहीं, संतुष्टि तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार की इतनी सारी योजनाएं होती हैं, अगर वह पृथ्वी पे लाई जाए या वह धरती पर लाई जाए, भौतिक धरातल पर लाई जाए, तो गांव का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। हम आपको चर्चा करते हैं, जैसे सड़क पे बिल्कुल गांव की बड़ी सड़कें नहीं हैं, हमारे पूरा ऐसा है जो वहाँ गाँव जाने के लिए बिल्कुल सड़कें नहीं हैं, और जो सड़कें हैं उस पर या तो खंजा नहीं है या तो उस पर पिच नहीं है, या नालियों में अभी भी जो है जल भराव हुआ होता है, या कहिए कि पर्याप्त मात्रा में शौचालय नहीं है। तो हम ऐसे सड़कें हैं जो बाहर शौच के लिए लोग बाध्य हैं। और रही बात विद्यालय की, तो विद्यालय में भी जो है बच्चों को डेस्क बेंच या सीसीटीवी कैमरे या लाइट या आंगनबाड़ी। सर, जैसे आपको अगर प्रधान पद का मौका मिलता है तो युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जी, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं युवाओं को प्रोत्साहन दूंगा कि वो बेहतर शिक्षा प्राप्त करें, और मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं युवाओं के लिए, मैं राजनीति करने आया हूँ न कि कूटनीति करने आया हूँ, युवाओं के लिए मेरे पास प्लान है कि उनको मैं उत्साहित करूँगा, प्रोत्साहित करूँगा, चाहे वो सेना में जाना चाहते हैं, चाहे वो पुलिस में जाना चाहते हैं, चाहे शिक्षा लाइन में जाना चाहते हैं, उनको मैं प्रोत्साहन दूंगा। अपने पास से कुछ ऐसा बजट बनाने का प्रयास करूँगा जो उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई अवरोध ना आए। बात रही बुजुर्गों की, बुजुर्गों को जो पात्र हो चुके हैं उनके लिए मैं पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और उनके लिए जो भी हो सकता है योजना लाऊंगा। बात रही महिलाओं और बहनों के लिए, तो हम चाहते हैं कि हमारी गांव की बहनें जो हैं वे हाई स्कूल या इंटर स्तर तक या बीए स्तर तक, बीएससी करने स्तर तक उनको कोई बाधा न हो। हम चाहते हैं उनको साइकिल उपलब्ध कराएं। अगर कोई हमारी बहन अगर सीटेट करना चाहती है, यूपीटेट करना चाहती है, या ग्रेजुएशन कोई बाधा आ रही है, तो मैं चाहता हूं उसको मैं हेल्प करूं अपने द्वारा। सर, जैसे बारिश के दिनों में जल जमाव लगा रहता है, उस जल जमाव का सही इस्तेमाल करने के लिए आप क्या करेंगे? और जो हमारे गांव में चार पांच पोखरे हैं, उस पोखरों तक मैं नाले के माध्यम से पानी वहां लाना चाहता हूं। दूसरी चीज कि मैं सरकार से ये पर्सनल जो है संयुक्त तौर से मैं रखना चाहता हूं कि उन पोखरों को बढ़िया से शुद्धिकरण करा करके वह पोखरे उसी गांव के युवाओं को 5 साल के लिए पट्टे पर दिए जाए, जिससे उनको मछली पालन करने का या प्रधानमंत्री मोदी का जो मंत्र है आत्मनिर्भर बनिए के तहत उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनको रोजगार मिल जाएगा एक प्रकार से, और जो जल जमाव समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और नाली हुआ, नाली में ढक्कन हुआ, जहां जहां जल जमाव हो रहा हो, एक साइफन हुआ,
मैं पूरा बनाने का प्रयास करूंगा। सर जैसे इस समय चुनाव समय चल रहा है और चुनाव के समय में प्रलोभन का बड़ा बोलबाला रहता है सर, जिसकी वजह से कभी कभी गलत प्रत्याशी का चुनाव हो जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बोलबाला होता है, या एक प्रयास कहिए कि ये हमारे गांव की जनता नहीं समझ पाती है, या कहिए कि प्रधान के द्वारा जो कार्य कराए जाते हैं भाई उदासीनता से कराए जाते हैं, इसलिए लोगों का मोह भंग हो जाता है प्रधान प्रत्याशियों की तरफ से। मैं चाहता हूं कि मैं शिक्षा जगत जुड़ा हुआ हूं, तो मैं ऐसी योजनाएं ऐसी कार्य योजना सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जो भी योजनाएं हैं मैं धरती पर लाने का प्रयास करूंगा, जिससे कोई भी व्यक्ति सरकारी लाभ से वंचित न होने पाए। सर इस बार बजट आने से पहले लोगों में कई उम्मीदें थी कि उनके लिए कुछ बेहतर आएगा, बजट आने के बाद कुछ खास क्या आया है सर? कुछ जी ये कोरोना काल में स्थितियां तो बहुत गंभीर रही हैं, फिर भी मैं प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने डैमेज कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से किया, और जो बजट आया है वो किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है और व्यवसायियों के लिए है। कोरोना काल में सरकार ने जो जिज्ञासा दिखाई है लोगों के लिए वो बहुत काबिल तारीफ है, मैं इस बजट की बहुत सराहना करता हूँ। निर्मला सीतारमण जी सरकार ने बजट पेश किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप चैनल बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, फास्ट न्यूज़ के चैनल बंधुओं को, कि आपने समय दिया और हमारी जो भी बातें थी मन की बातें थी वह गाँव तक लोगों तक पहुँचे, मैं इसका बहुत आपका आभारी हूँ।